अंधेरी वेस्ट से 165 विधानसभा सीट से एमएनएस उम्मीदवार रईस लश्करिया भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में समाज के लिए काम कर रहे हैं। इस विषय पर हमारी तहलका 24 की टीम से उन्होंने की खास बातचीत। अपर क्लास एलाइट क्लास के लोग रहते हैं और दूसरी जगह देखा जाए तो एक भारत बसा हुआ है, उस भारत जो कि गरीब देश है, उसी तरीके से इस अंधेरी के अंदर जू गली, डोंगर, नेहरू नगर, शिवाजी नगर, इंदिरा नगर, अनेक ऐसी बस्तियां हैं जहां पे पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, लाइट घरों तक नहीं पहुंची है, तो ये बदहाली इस अंधेरे में आज भी देखने को मिल रही है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि मैंने महाराष्ट्र के अंदर कुपोषण का जो दर है वो कम कर दिया है, 33% से 23% कर दिया है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि ये सब गलत न्यूज़ है, क्योंकि अंधेरी विधानसभा के अंदर मैंने 150 से ज़्यादा बच्चों को अडॉप्ट किया हूं जो आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड है, उन बच्चों को कुपोषण के दर से बाहर निकालने की प्रयत्न हम कर रहे हैं। 150 बच्चे अगर अंधेरी में हो सकते हैं तो महाराष्ट्र भर में कितने बच्चे होंगे, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बात करें कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन टूट गई है, बीजेपी और शिवसेना की, तो इस बार का जो माहौल चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि सभी पार्टियां खुलकर इस बार लड़ेंगी और किसी को किसी का सहारा नहीं होगा, तो आपको नहीं लगता कि मनसे को इस बार खुलकर लड़ने का मौका मिला है? यही तो हम कह रहे हैं कि आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, तो मालूम पड़ जाएगा 19 तारीख को कि किसमें कितना है दम। ये थे हमारे साथ लहिस लश्करिया जी, जो कि मनसे के 165 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है। अब देखना यह होगा कि 19 तारीख को किसका विजय पताका महाराष्ट्र में लहरा।